आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे कोई भी पुरानी चूड़ियां बैंगल्स आपके पास पड़े हों, इनसे हम क्रोशे के फोटो फ्रेम कैसे बना सकते हैं। आप चाहें तो इनमें फोटो देके किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, जैसे ये मैंने अपने मम्मी पापा को उनकी एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया था, या फिर कोई भी मोटिवेशनल कोट लगा के अपने कमरे में लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो के लिए मैं यूज कर रही हूँ एंकर के कॉटन थ्रेड्स, 3.5 mm का क्रोशे हुक, डार्निंग नीडल, एम्ब्रॉयडरी नीडल, सिजर्स, चूड़ियाँ, फेल्ट जो हमारे प्रोजेक्ट के पीछे लगेगा, कुछ डेकोरेशन के पीसेस, ये आप अपने अनुसार चूज कर सकते हैं, और एक ग्लू गन। सबसे पहले जो मेरी चूड़ी है इसको मैं ट्रेस करूँगी मेरे फेल्ट के ऊपर। अब इसको काट दूंगी, हल्का सा मैं कोशिश करूंगी जितना मैंने ट्रेस किया उससे थोड़ा मुझे बड़ा काटना है। अब ऐसे ही जो भी आपका फोटो हो या कोट हो उसको भी आप चूड़ी से ट्रेस करके काट दीजिए। ये हमारा जो मेन फोटो है और जो हमारा बैकिंग है फेल्ट का, ये कट चुका है, इसको हम अभी साइड में रख देंगे। अब हम हमारी चूड़ी के ऊपर क्रोशे करना शुरू करेंगे। ये मैंने एंकर के दो कॉटन थ्रेड्स लिए हैं एक साथ। इस तरह से मैंने इसको लॉक कर दिया है। अब हम पूरी चूड़ी पे सिंगल क्रोशेस बनाएंगे। आपकी चूड़ी जितनी बड़ी हो उतने सिंगल क्रोशे आप बनाइएगा। कोशिश कीजिए कि आप जब सिंगल क्रोशे बनाएंगे तो वो कोई भी मल्टीपल ऑफ 6 बने, क्योंकि जो पैटर्न मैं आपको बताने जा रही हूँ वो उस पे परफेक्टली फिट करेगा। यहाँ पे मैंने 54 सिंगल क्रोशेस बना लिए हैं जो कि एक मल्टीपल ऑफ 6 है। अब मैं मेरे सबसे पहले वाले सिंगल क्रोशे के अंदर स्लिप स्टिच कर दूंगी। यहाँ पे मैं करूँगी चेन 1 और दूसरा राउंड शुरू कर देंगे जिसमें हमें हर एक एक स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशे बनाना है। बस ऐसे ही हर स्टिच में हाफ डबल क्रोशे बनाइए यहाँ तक। मैं अपने राउंड के एकदम एंड तक आ चुकी हूँ। 1 और ये 2। सबसे पहले वाले स्टिच में मुझे स्लिप स्टिच करना है। और अब हम थर्ड राउंड शुरू करेंगे। चेन 1 जिसमें हमने स्लिप स्टिच किया था उसी में सिंगल क्रोशे करना है। स्किप 2 एंड जो थर्ड है इसमें हम 6 डबल क्रोशे करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव एंड 6। फिर से दो स्टिचेस को स्किप करेंगे और तीसरे में एक सिंगल क्रोशे करेंगे। अब इसी पैटर्न को हमें पूरा रिपीट करना है। स्किप 2 स्टिचेस एंड इनटू द थर्ड स्टिच मेक 6 डबल क्रोशेस। 1 2
6, skip 2 and single crochet into the third. बस इसको आप पूरा अराउंड रिपीट कीजिए यहां तक. यहां मेरा राउंड खत्म होने वाला है. स्किप 2 एंड 6 डबल क्रोशे. 1, 2, 3, 4, 5, 6. स्किप 2 और जो हमारा सबसे पहला स्टिच जो हमने शुरू किया था उसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे. ये जो हमारा मेन फ्रेम है ये तैयार हो चुका है. अब हम करेंगे चेन 20. 1, 2, 3, 4. ट्वेंटी चेन्स बन चुके हैं. अब यहाँ पे मैं वहीं पे स्लिप स्टिच कर दूंगी. और ये एक हमारा लूप बन चुका है ताकि आप इसको कहीं पर भी टांग सकते हैं. इसको हम काट देंगे एक डार्निंग नीडल से. इसको वीव इन कर दीजिए. अब हम जो हमारा फेल्ट है उसको फ्रेम के पीछे लगाएंगे. यहाँ पे ऐसे प्लेस कर दीजिए. और जो आपका धागा है जिस कलर से आप आपका फ्रेम बनाया है आपने उस धागे से मैं इसको एक ब्लैंकेट स्टिच से यहाँ पे केवल आधा पैलेट ज्वाइन करूँगी. देख लीजिए कैसे. ये मेरी एम्ब्रॉयडरी नीडल है. यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट हाफ वे इसको स्टिच कर दिया है. तो जो हमारा क्वोट या फोटो हम इंसर्ट करना चाहते हैं इसको इंसर्ट कर सकते हैं ऊपर से. और अब वापस से पीछे मुड़ के जितना हमारा बाकी है इसको कंप्लीट कर सकते हैं स्टिच करना. मेरा पूरा ब्लैंकेट स्टिच कंप्लीट हो चुका है. मैं एक बस नॉट बांध के इसको वीव इन कर दूंगी. और ये हमारा क्रोशे का फ्रेम रेडी है. अब इस पे आप चाहें जो डेकोरेशन कर सकते हैं तो मैं इसको हल्का सा डेकोरेट करूंगी. आज के वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.